दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जो आज तक लोगों के बीच रहस्य बनी हुई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन वो ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ सकी। वैज्ञानिकों से लेकर पुरातत्व विभाग के लोग इन रहस्यों को जितना सुलझाए नहीं, उससे कहीं ज्यादा ये रहस्य उलझ गए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में हजारों सालों से लोगों के बीच एक अनसुलझी पहेली है। इन्हें जानने के बाद यकीनन आप भी यही कहेंगे कि ऐसी मिस्टीरियस और रहस्यमयी जगहें, चीजें पहले हमने कभी नहीं देखी और ना तो सुनी थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लियोपेट्रा टॉम्ब। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर के पास तपोसिरिस मग्न में दो ममियां मिली हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2000 साल पहले क्लियोपेट्रा को आत्महत्या के बाद यहां दफना दिया गया होगा। मिस्र के मंदिर में इस सनसनीखेज खोज के बाद पुरातत्वविद लंबे समय से क्लियोपेट्रा के खोए हुए मकबरों की खोज के करीब हैं। मिस्र की आखिरी रानी और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार क्लियोपेट्रा इतिहास की सबसे लोकप्रिय महिला शासक है, लेकिन इसके अंतिम संस्कार को लेकर आज भी रहस्य कायम है। कुछ जानकार मानते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार रानी क्लियोपेट्रा को अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया जहां वो पैदा हुई और उसने राज किया। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसे तपोसिरिस मग्न में दफन किया गया। अलेक्जेंड्रिया से 30 मील दूर उसी नाम के मंदिर के आसपास का शहर क्लियोपेट्रा के समय का एक मुख्य बंदरगाह था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर में हुई नई खोज क्लियोपेट्रा के खोए हुए मकबरे के यहीं होने का इशारा करती है, जो दर्जनों प्राचीन ममियों को दफनाने की जगह मानी जाती है। माना जा रहा है कि पुरातत्वविदों के द्वारा खोजी गई ममियों की जोड़ी उस समय बड़े घराने से ताल्लुक रखती हैं, जब इस शक्तिशाली रानी का साम्राज्य था। इस खोज को सनसनीखेज माना जा रहा है क्योंकि यह तपोसिरिस में नेक्रोपोलिस या मृतकों के शरीर के महत्व को दर्शाती है। पानी लगने की वजह से ये ममियां खराब स्थिति में हैं, लेकिन सबूत दर्शाते हैं कि इन्हें सोने के वर्क में लपेटा गया होगा। यही तथ्य इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि ये समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे होंगे। जैक द रिपर। साल था 1888। लंदन में एक के बाद एक कई लड़कियों की हत्या हो रही थी। कातिल इतना खौफनाक था कि वो उन लड़कियों को मारने के बाद उनके अंग निकाल लिया करता था। मरने वाली ज्यादातर लड़कियां बार बालाएं थीं, लेकिन वो कौन था और क्यों बार बार बालाओं की हत्या कर रहा था? कौन कर रहा था बार बालाओं की हत्या? इस दौर में अचानक उस सीरियल किलर का खौफ लंदन में पसरा हुआ था। सितंबर 1888 में लंदन के एक अखबार में सनसनीखेज पोस्ट छपी जिसे एक खौफनाक हत्यारे ने लिखा था। उसने अपनी पहली हत्या के बारे में खौफनाक तरीके से बताया था। उसने कहा कि वो और भी हत्या करने वाला है। ये साफ नहीं था कि इस पत्र को सीरियल किलर ने ही लिखा है, मगर पत्र से हत्यारे की एक पहचान जरूर मिल गई और नाम मिला जैक द रिपर। कहां से हुई सीरियल कत्ल की शुरुआत? सीरियल किलर जैक द रिपर ने और सभी को एक खास तरीके से मारा था। सभी की गर्दन को धारदार हथियार से रेंता गया था और उनकी लाश के साथ हैवानियत की गई थी। सबसे पहले उसने 31 अगस्त 1888 को अपना पहला शिकार किया। उसने मैरी एन निकोलस की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्या के बाद लंदन के अखबार में इस सीरियल किलर का पत्र प्रकाशित हुआ था जिसमें उसने इस हत्या के बारे में बताया था। इसी के साथ ही इसने और भी हत्याएं करने की बात कही थी। द डेविल्स बाइबल। क्या आपने दुनिया की सबसे खतरनाक किताब के बारे में सुना है? एक ऐसी किताब जो 700 सालों के बाद भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि यह शैतान की सबसे बड़ी किताब है। एक ऐसी किताब जो जिसके पास भी पहुंची उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, वो शख्स पागल हो गया, उसकी जान चली गई। एक ऐसी किताब जिसमें लिखे गए शब्द मनहूस हैं। कई चश्मदीद हैं जिनका कहना है कि जब उन्होंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो वो अक्षर हवा में तैरते हुए नजर आए और उन अक्षरों में शोले थे, आग थी। इसीलिए उस पुस्तक का नाम डेविल्स बाइबल पड़ा, क्योंकि इसे किसी दैवीय शक्ति ने नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति की प्रेरणा के जरिए लिखा गया था। यह पुस्तक जहां भी जिसके पास भी जाती है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये इस किताब की कहानी है, कागज पर नहीं जानवर के चमड़े पर लिखी गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है, और ये किताब आज भी एक शहर की लाइब्रेरी में मौजूद है। इस किताब के बारे में दुनिया में कई लोगों के पास जानकारी भी है,
लेकिन कहते हैं कि इस किताब को एक शैतान ने लिखा था। अब ये सोचने वाली बात हो जाती है कि क्या कोई शैतान किताब लिख सकता है। इस किताब को लिखने की कहानी इतनी दिलचस्प है कि समझ में नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ है। कहा जाता है कि ये किताब एक रात में ही लिखी गई। दुनिया के जितने भी ज्यादातर जानकार हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस किताब पर रिसर्च की। उनका मानना है कि एक रात में एक ही आदमी इस किताब को एक ही हैंडराइटिंग में कैसे लिख सकता है। लोगों का कहना है कि अगर एक ही आदमी इस किताब को लिखे तो भी उसे कम से कम 25 साल लग जाएंगे। ये किताब कागज के ऊपर नहीं लिखी गई, जानवर के चमड़े के ऊपर लिखी गई। और यही बात कोई मानने को तैयार नहीं है कि एक रात में इसे कोई लिख सकता है। नेपिलिम 20वीं शताब्दी में पश्चिमी मिसौरी के जंगलों में दफन टीले के समान विशाल शुंक के आकार के टीले पाए गए थे। खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों ने दो कंकालों के अवशेषों की खोज की, जिनकी हड्डियां अविश्वसनीय रूप से विशाल थीं। वे एक औसत व्यक्ति के आकार से 3 गुना ज्यादा थीं। सिर के विशाल जबड़े थे, माथा चौड़ा था, बहुत नीचा था, अंगों की हड्डियां बहुत बड़ी थीं। जीव के अवशेष इंसानों से मिलते जुलते थे, लेकिन ये लोग सिर्फ दानव लगते थे। हाल ही में विशाल लोगों के बारे में कहानियों और किंवदंतियों में एक और पुष्टि मिली है। दक्षिण अफ्रीका में पैरों के निशान 1.5 मीटर लंबे और 90 सेंटीमीटर चौड़े पाए गए। ऐसा लगता था कि ये निशान चट्टान में 20 सेंटीमीटर तक दबा हुआ था। इस तरह का निशान सिलोन द्वीप पर पाया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के पदचिन्ह के मालिक की ऊंचाई कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए। जायंट्स भी इस क्षेत्र में रहते थे, जैसा कि 12वीं शताब्दी में एक राजनयिक मिशन पर देश का दौरा करने वाले अरब यात्रियों की डायरियों में प्रविष्टियों से प्रमाणित है। उसी समय एक विशाल नरभक्षी मारा गया जो जंगल में रहता था और लोगों का शिकार करता था। नरभक्षी पकड़े जाने तक 100 से ज्यादा लोगों को नष्ट करने में कामयाब रहा था। यहाँ तक कि एक घने पेड़ तक जंजीर से बंधे हुए इस विशालकाय शरीर ने लोगों को पकड़ने की कोशिश की। दुष्ट, क्रूर, वो कहीं से नहीं आया। वो सभी जीवित प्राणियों के लिए मृत्यु बो रहा है। इनके बारे में आदमखोर दिग्गज 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोन के इतिहासकार बोरोसस ने लिखा था। दिग्गजों के लोग बाढ़ में मारे गए। कई दिग्गज बच गए जो जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थे। पहाड़ों की चोटी पर गुफाओं में छिपे हुए थे। मानव मांस खाकर वे देवताओं को भूल गए और इसीलिए उन्हें दंडित किया गया। विशालकाय प्रागैतिहासिक काल में रहते थे, डायनासोर के साथ सह अस्तित्व में थे। ये एक अनूठी खोज से प्रमाणित है। 20वीं शताब्दी में साइबेरिया के क्षेत्र में एक डायनासोर की हड्डियां मिली जो एक विशाल तीर से मारी गई थी। MH370 मलेशिया एयरलाइंस का लापता विमान MH370 आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मलेशियाई एयरलाइंस के लापता विमान को खोजने के लिए लगभग 106 मिलियन पाउंड की वैश्विक खोज शुरू की गई थी। ये विमान मार्च 2014 में कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना होने के तुरंत बाद गायब हो गया था। कई साल की खोज के बावजूद बोइंग 777 का मलबा अभी तक नहीं मिला है। बता दें कि MH370 के साथ लापता यात्रियों के रिश्तेदारों के साथ साथ रिचर्ड गॉडफ्रे भी यह दावा कर रहे थे कि विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ था। कहा जाता है कि MH370 पर्थ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में 1933 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पर आज तक इस विमान का पता नहीं चल पाया। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या कभी आपने ऐसी रहस्यमय चीजों के बारे में सुना या जाना था। अगर हाँ तो अपनी बात हमारे साथ जरूर शेयर करिए। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर टाइप करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।